हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर टाउन्स ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था, सो ये इसका दूसरा पार्ट है। इन द प्रीवियस वीडियो प्रीवियस पार्ट यू स्टडीड अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ टाउन्स लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, टेम्पल टाउन्स एज वेल एज कमर्शियल टाउन्स। सो टूडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर विद द टॉपिक ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल, यानी कि जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, बड़े और छोटे, यानी कुछ जो व्यापार करते थे बड़े स्केल पे करते थे और कुछ छोटे स्केल पे। सो स्टूडेंट, देयर वर मैनी काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स, बहुत सारे ट्रेडर्स थे अलग अलग तरह के। दीज इंक्लूड्स ऑफ बंजारास, अगर बात करें इनमें बंजारास भी शामिल हैं, बंजारा भी बोलते हैं उन्हें। सिवरल ट्रेडर्स स्पेशली हॉर्स ट्रेडर्स, और कुछ थे हॉर्स ट्रेडर्स फॉर्मड एसोसिएशंस विद हेडमैन्स हु नेगोशिएटेड ऑन देयर बिहाफ विद वॉरियर्स हु बॉट हॉर्सेस। तो स्टूडेंट्स, उस समय जो ट्रेडर्स होते थे वो क्या करते थे, एसोसिएशंस बनाते थे। जैसा आपने देखा होगा आजकल व्यापार मंडल बनाए जाते हैं, वैसे उस समय एसोसिएशंस ही बनाते थे जिसमें एक हेडमैन होता था जो उनका लीडर होता था, जो क्या करता था, देखिए नेगोशिएट करता था। जब ये घोड़ों का क्या होता था, ट्रेड होता था, जब इन्हें योद्धाओं को बेचा जाता था जो वॉरियर्स होते थे, तो वही क्या है जो हेडमैन होता था इस एसोसिएशन का, वो क्या करता था, नेगोशिएशन करते थे वहाँ पे। सिंस ट्रेडर्स हैड टू पास थ्रू मैनी किंगडम्स एंड फॉरेस्ट्स, दे यूजुअली ट्रेवल्ड इन कारवांस एंड फॉर्म्ड गिल्ड टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। तो देखिए, जो ट्रेडर थे, जब तक उन्हें जाना पड़ता था, पास करना पड़ता था रास्ता अपना, जो उनका काफिला होता था, तो रास्ते में क्या पड़ते थे, बहुत सारे किंगडम्स पड़ते थे, बहुत सारे जंगल पड़ते थे। तो इसके लिए क्या था, देखिए वे साथ में क्या करते थे, ट्रेवल करते थे एक साथ, जिसे बोला जाता था कारवांस। एंड फॉर्म्ड गिल्ड्स, और उन्होंने क्या बनाए थे, गिल्ड्स बनाए हुए थे टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। देयर वर सेवरल सच गिल्ड्स इन साउथ इंडिया, तो अगर बात करें साउथ इंडिया की, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे गिल्ड्स थे फ्रॉम दी एट्थ सेंचुरी ऑनवर्ड, यानी कि 8वीं सदी के बाद। द मोस्ट फेमस बीइंग द मनीग्रामम एंड नाना देसी। तो देखिए, इनमें देखिए कुछ गिल्ड्स थे आपके, मनीग्रामम ग्रामम और नाना देसी। सो स्टूडेंट्स, ये जो आप गिल्ड्स हैं, ये क्या होते थे, इनके संघ होते थे, जैसे इनके समूह होते थे जो बनाए जाते थे, तो उन्हीं में से हैं मनीग्रामम और नाना देसी कुछ गिल्ड्स। दिस गिल्ड्स ट्रेडेड एक्सटेंसिवली बोथ विद इन द पेनिनसुला एंड विद साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। देखिए, ये न केवल यहाँ इस सब कॉन्टिनेंट में, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट थे, न केवल यहाँ व्यापार करते थे बल्कि साउथ ईस्ट एशिया और चाइना, यानी कि बाहर के देशों में भी ये व्यापार करते थे। तो समझ सकते हैं कि कितने दूर दूर तक इनका जो ट्रेड था वो फैला हुआ था। देयर वर ऑल्सो कम्युनिटीज, वहाँ पे कुछ और भी समूह थे लाइक द चेटियार्स एंड द मारवाड़ी ओसवाल हु वेंट ऑन द बिकम द प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप्स ऑफ द कंट्री। तो देखिए, वहाँ पर जो आपके थे चेटियार्स, और बात करें मारवाड़ी ओसवाल की, तो ये क्या हुआ बाद में, बहुत महत्वपूर्ण ये क्या बन गए थे वहाँ पर, ट्रेडिंग ग्रुप्स पूरे इंडिया में। गुजराती ट्रेडर्स, बात करें अगर गुजराती ट्रेडर्स की, इंक्लूडिंग द कम्युनिटीज ऑफ हिंदू बनियाज एंड मुस्लिम बोहराज, ट्रेडेड एक्सटेंसिवली विद द पार्ट्स ऑफ द रेड सी। तो ये कहाँ पर व्यापार करते थे, जो आपके बनियाज और बोहराज ये ट्रेडर थे, तो ये देखिए जो रेड सी है उसके पोर्ट्स पे व्यापार करते थे, पर्शियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। तो यहाँ देखिए बहुत दूर दूर तक ये व्यापार क्या करते थे, दे सोल्ड टेक्सटाइल्स, वो क्या बेचते थे, टेक्सटाइल, यानी कि जो कपड़े होते हैं, कपड़े का व्यापार होता है, एंड स्पाइसेस, और साथ ही मसाले स्पाइसेस इन दीज पोर्ट्स, एंड एक्सचेंज ब्रॉड गोल्ड एंड आइवरी फ्रॉम अफ्रीका। तो देखिए, बदले में जो उस समय इन्हें क्या मिलता था उसके बदले, तो इन्हें क्या मिलता था, गोल्ड मिलता था और आइवरी मिलता था, जो हाथी दांत होता है, एंड स्पाइसेस
16 चाइनीज ब्लू पॉटरी एंड सिल्वर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, और चाइना से क्या मिलता था इन्हें स्पाइसेस, 10 चाइनीज ब्लू पॉटरी जो वहाँ की फेमस थी, और सिल्वर ये मिलता था इन्हें साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना से। तो देखिए ये एक बार्टर सिस्टम चलता था वहाँ पर, वस्तुओं का आदान प्रदान देख सकते हैं आप, यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु। द टाउन्स ऑन द वेस्ट कोस्ट वर होम टू अरब, देखिए वेस्ट कोस्ट जो था इस कॉन्टिनेंट का वो घर था किसका, जो अरब के जो लोग आते थे, और साथ ही किसका था, पर्शियन चाइनीज ज्यूज एंड सीरियन क्रिश्चियन ट्रेडर्स, तो यहाँ पर ये सभी आते थे। इंडियन स्पाइसेस एंड क्लोथ सोल्ड इन दी रेड सी पोर्ट्स वेयर परचेज्ड बाय इटालियन ट्रेडर्स एंड इवेंचुअली रीच्ड यूरोपियन मार्केट्स। देखिए जो इंडियन बात करें अगर स्पाइसेस और क्लोथ है आपने देखा होगा, तो ये थ्रू रेड सी यानी कि रेड सी के पोर्ट्स में ये बेचा जाता था, वहाँ पर से इन्हें कौन लेता था, इटालियन ट्रेडर्स, और इस तरह वो कहाँ पे जाता था ये सारा जो भी मटेरियल था, यूरोपियन मार्केट्स। तो देखिए इंडियन जो टेक्सटाइल और स्पाइसेस थे वो थ्रू अरेबियन कंट्रीज कहाँ जाता था, यूरोपियन मार्केट्स, फेचिंग वेरी हाई प्रॉफिट, और इसमें क्या होता था, बहुत हाई प्रॉफिट होता था। आपने देखा भी होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इसी तरह बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, तो यहाँ से ये शुरुआत हुई थी मेडिवियल इंडिया में। स्पाइसेस ग्रोन इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, तो आपको पता है जो स्पाइसेस हैं वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में बहुत ज़्यादा होता है, और इनमें कौन सा आता है आपका, पेपर हो गया, सिनेमन हो गया, नटमेग, ड्राइड जिंजर एट्सेट्रा, तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता था। बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ यूरोपियन कुकिंग, तो देखिए आपको पता होगा कि बहुत ठंडे प्रदेश हैं जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो यहाँ से ये मसाले वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस थे, और वहाँ के जो किचन होते थे वहाँ जो खाना बनाया जाता था उसमें यूज़ किए जाते थे। एंड कॉटन क्लोथ वॉज वेरी अट्रैक्टिव, और यहाँ के कॉटन जो क्लोथ होते थे बहुत फाइन क्वालिटी के, वो वहाँ पर बहुत ही अट्रैक्टिव यानी आकर्षक होते थे। दिस इवेंचुअली ड्रू यूरोपियन ट्रेडर्स टू इंडिया, और देखिए इसी तरह आपने बाद में पढ़ा होगा कि जो ब्रिटिश थे, जो अदर यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी लाइक ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, तो सभी देखिए इन्हीं चीज़ों से लाइक टेक्सटाइल, लाइक कॉटन, स्पाइसेस, दे केम टू इंडिया, वो तभी इंडिया आए। वी विल शॉर्टली रीड अबाउट हाउ दिस चेंज द फेस द ट्रेडिंग एंड टाउन्स, तो हम पढ़ेंगे आगे कि इससे कैसे जो ट्रेडिंग और टाउन्स थे उनका एक परिवर्तन हुआ। सो लेट्स हैव अ लुक एट अबाउट काबुल विद इट्स रगड माउंटेनस लैंडस्केप। काबुल इज प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, तो ये आपको बताया हुआ अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। बिकेम पॉलिटिकली एंड कमर्शियली इम्पोर्टेंट फ्रॉम द 16th सेंचुरी ऑनवर्ड, तो 16th सेंचुरी से ये पॉलिटिकली भी, राजनीतिक रूप से भी, और कमर्शियली और आर्थिक रूप से भी एक इम्पोर्टेंट सेंटर बन चुका था। काबुल एंड कंधार वर लिंक्ड टू द सेलिब्रेटेड सिल्क रूट, और ये देखिए जो काबुल था और जो कंधार था, तो उस समय आपको पता होगा चाइना से जो आता था आपका सिल्क रूट, जो सिल्क का रूट था जहाँ से होते हुए सिल्क एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता था, तो वो उस मार्ग से जुड़े हुए थे कौन, काबुल और कंधार। Besides, trade in horses were very primarily carried on through this route, और साथ ही इसमें horses का भी बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था इसी रूट से। In the 17th century, Jean Baptiste Tavernier, अब ये कौन थे देखिए याद रखिएगा आप, अ डायमंड मर्चेंट, एक डायमंड मर्चेंट थे Tavernier, तो estimated that the horse trade at Kabul amounted to ₹30,000 annually. तो वो बताते हैं कि जो समय हॉर्स ट्रेड होता था, घोड़ों को बेचने का जो बिजनेस था काबुल में, वो कितने रुपए का होता था, अबाउट 30,000 rupees एनुअली, यानी कि साल भर में 30,000। एंड अगर बात करें कंपेयर विद मॉडर्न डे, सो इट वाज अ ह्यूज अमाउंट विच वाज अ ह्यूज सम ऑफ दोज डे। कैमल्स कैरी ड्राइड फ्रूट, और जो कैमल्स थे वो क्या ले जाता था उनमें, ड्राइड फ्रूट्स, डेट्स, कारपेट्स, सिल्क एंड इवन फ्रेश फ्रूट्स फ्रॉम काबुल टू द सब कॉन्टिनेंट एंड एल्सपेयर, तो वहाँ से ये ट्रेड होता था।
स्लेव्स वर ऑल्सो ब्रॉट हेयर फॉर सेल। अब ध्यान दीजिए, काबुल में देखिए जो स्लेव थे वो भी खरीदे बेचे जाते थे। ध्यान दीजिएगा, जो दास प्रथा होती है जिसमें जो लोग हैं, जो इंसान हैं, उन्हें भी खरीदा बेचा जाता था। एंड यू नो कुतुबुद्दीन ऐबक, आपने सुना होगा नाम, ही वॉज ऑल्सो स्लेव, उसे भी खरीदा गया था। किसने? मोहम्मद घौरी ने। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। क्राफ्ट्स इन टाउन्स, तो क्राफ्ट जो था टाउन्स में उसके बारे में पढ़ेंगे। द क्राफ्ट पर्सन इन बीदर, अब देखिए बीदर कहाँ पे है, आइए मैप पे देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, हेयर दिस इज बीदर, यू कैन सी हेयर। द क्राफ्ट पर्सन ऑफ बीदर वर सो फेम्ड फॉर देयर इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर दैट इट केम टू बी कॉल्ड बिदरी। तो देखिए, इनका जो कॉपर और सिल्वर वर्क था बहुत ज़्यादा फाइन था। हेयर यू कैन सी देयर वर्क। तो देखिए, इसलिए इन्हें इसे कहा जाता था बिदरी। तो बिदरी किसने चलाया? ये जो बीदर के जो क्राफ्ट पर्सन्स होते थे, द पांचाला पांचालास और विश्वकर्मा कम्युनिटी। तो एक देखिए वहाँ पर जो पंचालास थे जिन्हें विश्वकर्मा के पुरोजी माना जाता था, कंसिस्टिंग ऑफ गोल्ड स्मिथ्स, ब्रॉन्ज स्मिथ्स, ब्लैक स्मिथ्स, मेसन्स एंड कारपेंटर्स। तो देखिए बहुत सारे उसमें क्राफ्ट पर्सन्स थे इस कम्युनिटीज़ में, पांचालास और विश्वकर्मा कम्युनिटीज़ में। वर इसेंशियल टू द बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स। तो देखिए, जो वहाँ पर आपको पता है टेम्पल्स बहुत ज़्यादा बनाए जाते थे, तो उनमें इनका वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क रहता था। दे ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेसेस। और साथ ही जो उस समय महल बने होते थे, राजमहल, तो उसके कंस्ट्रक्शन में भी इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता था, अहम भूमिका रहती थी। बिग बिल्डिंग्स, टैंक्स एंड रिजर्वर्स। तो उसमें जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होते थे, टैंक्स होते थे, रिजर्वर्स होते थे जो वाटर के। सिमिलरली रिवर्स सच एज दी सलियार और कई कोलर्स इमर्ज एज प्रॉस्पेरस कम्युनिटी मेकिंग डोनेशन टू टेम्पल्स। तो देखिए उस समय जो सलियार्स थे जिन्हें कई कोलर भी कहा जाता था, तो देखिए एक प्रॉस्पेरस कम्युनिटीज़ थी और ये क्या करते थे, देखिए डोनेशन तक देते थे टेम्पल्स को। तो समझ सकते हैं कि थे ये वीवर्स, बट ये भी डोनेशन दिया करते थे। सम एस्पेक्ट्स ऑफ क्लोथ मेकिंग लाइक कॉटन क्लीनिंग, स्पिनिंग एंड डाइंग बिकेम स्पेशलाइज्ड एंड इंडिपेंडेंट क्राफ्ट्स। तो उस समय देखिए कॉटन का वर्क जैसे होता था, उसकी क्लीनिंग होती थी, स्पिनिंग होती थी, डाइंग होती थी, उसे कलर किया जाता था। तो ये भी क्या होता था, एक स्पेशलाइज्ड एंड इंडिपेंडेंट क्राफ्ट, यानी कि एक ये स्पेशल वर्क होता था जिसको केवल अनुभवी लोग ही करते थे और साथ ही स्वतंत्र ये क्राफ्ट होता था। सो स्टूडेंट्स, इन दिस पिक्चर यू कैन सी अ 17th सेंचुरी कैंडल स्टैंड, एक मोमबत्ती रखने वाला जो है आपका कैंडल स्टैंड है, यहाँ पर देख सकते हैं। सो हाउ फाइन इट इज़, तो कितना देखिए फाइन वर्क किया गया है इस पर, आप देख सकते हैं। इट इज़ नॉट मेड बाय एनी मशीन, देखिए मशीन उस समय नहीं होती थी, दिस इज़ मेड बाय विद द हेल्प ऑफ हैंड्स। ये उस समय के जो क्राफ्ट पर्सन थे वो बनाया करते थे। इन बिलो हेयर यू कैन सी अ सॉल बॉर्डर, देखिए उस समय सॉल का बॉर्डर देख सकते हैं, कितना फाइन ये वर्क यहाँ पर किया गया है। द चेंजिंग फॉर्चून्स ऑफ टाउन्स, देखिए किस तरह से जो भाग्य है वो बदला कई शहरों का। सम टाउन्स लाइक अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, वेंट ऑन बिकम मेजर कमर्शियल सिटीज, बट अदर लाइक तंजावुर श्रैंक्स इन साइज एंड इम्पोर्टेंस ओवर द सेंचुरीज। मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल ऑन द बैंक ऑफ भागीरथी विच रोज टू प्रोमिनेंस एज द सेंटर ऑफ सिल्क एंड बिकेम द कैपिटल ऑफ बंगाल इन 1704। तो देखिए 1704 में जो आपका था मुर्शिदाबाद, तो वो आपका बंगाल की कैपिटल बनी। डिक्लाइन इन द कोर्स ऑफ द सेंचुरी एज द वीवर्स फेस्ड कॉम्पिटिशन फ्रॉम चीप मिल ट्रेड्स क्लोथ फ्रॉम इंग्लैंड। तो देखिए क्या हुआ, बाद में जब आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो उसके बाद जो हैंडवर्क होते थे वीवर्स के, उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स आई और उन्होंने बहुत एक कॉम्पिटिशन फेस किया, किससे, जो आपके चीप मिल मेड क्लोथ होते थे, यानी जो मिलों में बनाए जाते थे बहुत ही सस्ते होते थे, और इससे इनका जो वर्क है वो कम हो गया। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट हम्पी।
मसूलीपट्टनम पट्टनम एंड सूरत। तो बात करेंगे इनके हम कौन कौन से टाउन्स आपके, हम्पी, मसूलीपट्टनम एंड सूरत। द आर्किटेक्चुअल स्प्लेंडर ऑफ हम्पी, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हम्पी के कुछ यहाँ पर रिमेन्स यू कैन सी हेयर। हम्पी इज़ लोकेटेड इन द कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन। तो कहाँ पर है, कृष्णा और तुंगभद्रा बेसिन पर ये है आपका, क्या नाम है इसका, हम्पी, विच फॉर्म्ड द न्यूक्लियस ऑफ विजयनगर एम्पायर। देखिए विजयनगर एम्पायर में था ये, फाउंडेड इन 1336। कब इसे फाउंड किया, 1336 में। कौन थे आपके दो ब्रदर थे जिन्हें जिनके नाम थे हरिहर एंड बुक्का। तो हरिहर एंड बुक्का ही दे एस्टेब्लिश्ड विजयनगर एम्पायर इन 1336। द मैग्निफिसेंट रून एट हम्पी रिवील अ वेल फोर्टिफाइड सिटी। देखिए यानी बहुत अच्छी तरह से ये बनाई हुई फोर्टिफाइड सिटी थी, चारों ओर से फोर्ट बने हुए थे। नो मोटर और सीमेंटिंग एजेंट्स वॉज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज वॉल्स। तो देखिए इसकी जो वॉल्स होती थी यहाँ पर किसी भी तरह आपको आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर किसी तरह के सीमेंट का यूज़ नहीं किया गया था, किसी तरह के मोटर का यूज़ नहीं किया था, और तब भी ये क्या है काफ़ी मजबूत थी। एंड द टेक्निक फॉलोड वॉज विच इज देम टूगेदर बाई इंटरलॉकिंग। और ये कैसे, देखिए कैसे अटके हुए थे फिर ये सारे जो भी थे आपके ब्रिक्स, ये इंटरलॉकिंग की गई थी इनमें। और समझ सकते हैं कि बिना किसी सीमेंट के कितना ये कितनी अच्छी तरह से बनाए गए थे। अ फोर्टिफाइड सिटी, एक जो किलेबंद आपकी सिटी है। दिस इज हाउ पुर्तगीज ट्रेवलर डोमिंगो पेस डिस्क्राइब्ड हम्पी इन दी 16th century। देखिए 16th century में यहाँ पर जो एक पुर्तगीज ट्रेवलर आए विजयनगर एम्पायर में भी हो गए, उनका नाम था डोमिंगो पेस। अब वो क्या डिस्क्राइब करते हैं, देखिए दे रोट देयर अकाउंट्स हिज अकाउंट। तो क्या लिखते हैं वो, एट हिज एंट्रेंस ऑफ द गेट वेयर दोज पास हु कम फ्रॉम गोवा दिस किंग हैज़ मेड विद इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिटी फोर्टिफाइड विद वॉल्स एंड टावर्स। तो वो बताता है कि जो ये सिटी थी बहुत ही मजबूत यहाँ पर वॉल थी और टावर्स थे। दिस वॉल्स आर नॉट लाइक दोज ऑफ अदर सिटीज, और ऐसी वॉल थी जो बाकी सिटीज़ में नहीं थी, बट आर मेड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग मशीनरी सच एज वुड बी फॉर्म्ड अ फ्यू अदर पार्ट्स एंड इन साइड वेरी ब्यूटिफुल रोज ऑफ बिल्डिंग्स मेड आफ्टर देयर मैनर्स विद इन फ्लैट रूप्स। और यहाँ पर क्या थे, फ्लैट रूप्स थे और काफ़ी ये सुंदरतापूर्वक बनाए गए थे। सो स्टूडेंट ड्यूरिंग देयर रूल द विजयनगर रूलर्स, तो विजयनगर के जो रूलर्स होते थे अपने शासन के दौरान क्या किया उन्होंने, टू कीन इंटरेस्ट इन बिल्डिंग टैंक्स एंड कैनाल्स। तो उन्होंने जो उस समय टैंक्स थे, वाटर टैंक्स और वाटर कैनाल्स, उनको बनाने में काफ़ी रुचि दिखाई। द अनंत राज सागर टैंक वॉज बिल्ट विद इन विद अ 1.37 किलोमीटर। तो देखिए जो आपका अनंत राज सागर टैंक है ये कितना लंबा है, 1.37 किलोमीटर। लॉन्ग ईस्टर्न डैम अक्रॉस द महानदी रिवर कृष्णदेव राय, और बात करें अगर एक किंग कृष्णदेव राय बिल्ड अ ह्यूज स्टोन एम्बार्कमेंट बिटवीन टू हिल टू क्रिएट अ मैसिव लेक नियर विजयनगरा फ्रॉम विच वाटर वॉज कैरीड थ्रू एडिक्वेट्स एंड चैनल्स टू इरीगेट फील्ड्स एंड गार्डन्स। तो देखिए जो आपके कृष्णदेव राय थे, आपने नाम भी सुना होगा इनका, तो इन्होंने क्या किया था, दो माउंटेन्स के बीच इन्होंने जो स्टोन्स होते हैं बोल्डर्स उनसे एक कैनाल बनाई हुई थी, जिससे इन्होंने विजयनगर तक पानी पहुंचाने के बाद वहां पर एक लेक का निर्माण करवाया, जिससे वहां पर इरिगेशन वर्क भी किया जाता था। द आर्किटेक्चुअल ऑफ हम्पी वॉज डिस्टिंक्टिव द बिल्डिंग्स इन द रॉयल कॉम्प्लेक्स हैड स्प्लेंडेड आर्चेस। तो देखिए काफ़ी डिस्टिंक्टिव है, वहाँ पर आप बहुत अच्छे अच्छे आर्चेस देख सकते हैं, डोम्स देख सकते हैं जैसे आपने मुगल आर्किटेक्चर में देखे, एंड पिलर्ड हॉल, और बहुत ज़्यादा पिलर वाले हॉल भी आप देख सकते हैं वहाँ, विथ नाइचेस पॉल होल्डिंग स्कल्पचर। और इन्हीं में क्या बने हुए हैं जो पिलर्ड हॉल हैं,
इन पिलर्स में आप काफ़ी सारे स्कल्पचर भी देख सकते हैं। दे ऑल्सो हैड वेल प्लान्ड ऑर्चार्ड्स एंड प्लेजर गार्डन्स विद स्कल्पचर मोटिव्स सच एज द लोटस एंड कॉरबेल्स। और साथ ही यहाँ पर आप काफ़ी अच्छे यहाँ पर आप गार्डन्स भी देख सकते हैं और जहाँ पर मूर्तिकला का काफ़ी प्रयोग किया गया है। इन इट्स हेडे इन 16th century हम्पी बस्टल विद कमर्शियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर कल्चरल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ काफ़ी होती थी। मुस्लिम मर्चेंट्स चिट्टीज एंड एजेंट्स ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स सच एज द पुर्तगीज थोन द मार्केट ऑफ हम्पी। तो यहाँ पर घुमा करते थे वो। टेम्पल्स वर द हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज एंड देवदासीज। तो यहाँ पर देवदासीज भी होती थी और साथ ही कल्चरल एक्टिविटीज भी होती थी। और कौन कहाँ पे किए जाते थे सारे टेम्पल्स में। तो ये जो देवदासीज होती थी टेम्पल डांसर्स भी कहा जाता है परफॉर्म बिफोर द डेटी। तो ये जो मूर्ति होती थी उस समय इस वहाँ पे गॉड की उसके सामने क्या किया जाता था डांस परफॉर्म किया जाता था। रॉयल्टी एंड मासेस इन द मैनी पिलर्ड हॉल इन दी विरूपाक्ष अ फॉर्म ऑफ शिवा टेम्पल। तो यहाँ पर विरूपाक्ष टेम्पल भी है। द महानवमी फेस्टिवल नोन टूडे एज नवरात्रि इन दी साउथ। तो जो महानवमी फेस्टिवल है वो भी यहाँ पे परफॉर्म किया जाता था जिसे नवरात्रि भी कहा जाता है इन दी साउथ। वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड एट हम्पी। तो हम्पी में सबसे जो महानवी फेस्टिवल था वो वहाँ का सबसे फेमस फेस्टिवल था जिसका सेलिब्रेशन किया जाता था। सो स्टूडेंट इन दिस पिक्चर यू कैन सी स्टोन चैरियट जो है आपका एक स्टोन से बना हुआ जो रथ है आप देख सकते हैं। पहिए भी देख सकते हैं आप व्हील्स। ये कहाँ पे आपका विट्ठला टेम्पल हम्पी में वहाँ पर एक है आपका विट्ठला टेम्पल। तो वहाँ पर आप ये देख सकते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द महानवमी प्लेटफॉर्म वेयर द किंग रिसीव्ड गेस्ट्स एंड एक्सेप्ट ट्रिब्यूट्स फ्रॉम सबऑर्डिनेट चीफ्स। तो यहाँ पर देखिए जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्हें यहाँ पर महानवमी प्लेटफॉर्म भी उन्हें मिला है जब उन्होंने यहाँ पर रिसर्च की। जहाँ पर क्या होता था जो किंग थे वे अपने गेस्ट का स्वागत करते थे और साथ ही जो उनके सबऑर्डिनेट्स होते थे अलग अलग एरियाज में वो उन्हें ट्रिब्यूट भी दिया करते थे राजा को। फ्रॉम हेयर ही ऑल्सो वॉच्ड डांस एंड म्यूजिक परफॉर्मेंसेस एज वेल एज रेसलिंग बाउट्स। तो देखिए यहीं पर जो महानवी प्लेटफॉर्म है यहीं से जो किंग था वो डांस और म्यूजिक का आनंद भी लिया करते थे उन्हें देखा करते थे और साथ ही जो वहाँ पर कुश्ती होती थी फाइट्स होती थी रेसलिंग फाइट्स तो वो भी देखा करते थे। हम्पी फेल इनटू रियन फॉलोइंग द डिफीट ऑफ विजयनगर इन 1565 बाय द डेक्नी सुल्तान। तो देखिए इन 1565 जो डेक्कन था आपका वहाँ के जो सुल्तान्स थे तो उनके द्वारा इसे क्या किया गया जीत लिया गया। द रूलर्स ऑफ गोलकुंडा जिसमें कौन कौन थे द रूलर्स ऑफ गोलकुंडा बीजापुर अहमदनगर बिरार एंड बीदर। तो इस तरह से ये फिर ट्रांसफ़र हो गया डेक्कन सुल्तान्स को। सो स्टूडेंट्स दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क अबाउट दैट। सो We will continue this chapter in the next video. Till then, bye.